Assalamualaikum. This is Priya PK Kashyap Khan. Welcome back to my YouTube channel. So again, I'm here with the most requesting video. Actually, the most requesting क्योंकि जब से वो मैंने वीडियो अपलोड किया उसके बाद से आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए हैं कि मैं एक मिनट के लिए खुद भी सोच रही थी कि मतलब वाह यार मेरे फैंस को इतना ज्यादा मजा आया, इतना ज्यादा इंटरेस्ट लिया, तो फिर वाई नॉट मेरी जान हमें पार्ट टू भी शूट कर लेना चाहिए। तो इसलिए आज आपकी रबिया काशिफ खान आप सबकी फरमाइश पर लेकर आई है वार्डरोब पार्ट टू। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। यू गाइस ऑलरेडी नो ये है मेरा वार्डरोब और इसके अंदर है बहुत सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े की शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो की वजह से मैंने कितनी मेहनत की है, इतने ज्यादा कपड़े मैंने खुद से तय करके इसकी असेंबलिंग की है ताकि मैं आप लोगों को वार्डरोब टूर दे सकूं। आइए जरा आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या मेहनत की है। ये देखे मतलब वाओ यार, कभी देखा है किसी लड़की का ऐसे कबर्ड जो ऐसे सेट हुआ हुआ हो। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने किस किस पोर्शन में कौन कौन से कपड़े पहनने के लिए रखे हुए हैं। सबसे ऊपर है सारी फ्रॉक्स, उसके नीचे यहाँ इस साइड पे कुर्तियां, मेरे पास सिर्फ इतनी ही कुर्तियां हैं जो कि मैं नॉर्मल डेज में पहनती हूँ। यहाँ पर है सारे शिफोन के कपड़े, यहाँ पे है सारे लॉन के कपड़े जो मैंने रमजानों में पहने थे, यहाँ पे सारी टी शर्ट जो थी वो ज्यादा थी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी आगे रख दी, और बाकी नीचे ट्राउजर्स वगैरह है। नीचे ट्राउजर्स में के नीचे मेरे सारे नाइट सूट्स है, तो वो दिखाना इतना कंपलसरी नहीं है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने किस किस पोर्शन में कौन कौन से कपड़े पहनने के लिए रखे हुए हैं। सबसे ऊपर है सारी फ्रॉक्स, उसके नीचे यहाँ इस साइड पे कुर्तियां, मेरे पास सिर्फ इतनी ही कुर्तियां हैं जो कि मैं नॉर्मल डेज में पहनती हूँ। यहाँ पर है सारे शिफोन के कपड़े, यहाँ पे है सारे लॉन के कपड़े जो मैंने रमजानों में पहने थे, यहाँ पे सारी टी शर्ट जो थी वो ज्यादा थी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी आगे रख दी, और बाकी नीचे ट्राउजर्स वगैरह है। नीचे ट्राउजर्स में के नीचे मेरे सारे नाइट सूट्स है, तो वो दिखाना इतना कंपलसरी नहीं है। अब मैं आप लोगों को ये वाला पोर्शन दिखाती हूँ कि इसके अंदर मैंने कौन कौन से कपड़े रखे हुए हैं। सबसे ऊपर वाले पोर्शन में मैंने रखे हुए अपने ट्राउजर्स जो कि मैं टी शर्ट और शर्ट्स के साथ पहनती हूँ। यहाँ पे लेदर पैंट्स हैं, यहाँ पे जीन्स वगैरह हैं ब्लू और ब्लैक, नीचे मेरे जंप सूट्स हैं, और उसके नीचे जो है डेली वेयर की शर्ट। सो गाइस लेट्स कम टू अनदर पोर्शन जो कि इस वीडियो का सबसे मेन हिस्सा है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको एक एक करके मैं सारे ड्रेसेस अपने दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये क्यूट सा ड्रेस ही मैंने एक टीवी शो में पहना था, और ये आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा है, और एक ही दफा पहना था। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं पहन लूं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं गर्मी का हाल, कितनी गर्मी है बाहर। खैर नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास ये कोट, और इसके अंदर एक और कोट, ये वाला मैंने अपने एक सॉन्ग शूट में पहना था, और ये वाला मैंने कब पहना था जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे पता चले कि मेरी ऑडियंस को याद भी है या सब भूल गए। नेक्स्ट है हमारे पास ये ऑरेंज कोट, और ये इतना प्यारा कलर लगता है ना मुझे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मैंने जस्ट एक दफा पहना है, तकरीबन सारे कपड़े ऐसे के जो मैंने एक एक दफा पहने में, और मैं नए नए लाती रहती हूँ, और जो एक दफा पहने में होते हैं वो सारे पुराने हो जाते हैं मेरे लिए। नेक्स्ट है मेरे पास ये व्हाइट कोट, और ये भी मुझे बहुत डिसेंट कोट लगता है, और ये बहुत ही प्यारा सा है, नाइस ना। अनदर वन ये भी कोट है, मतलब तकरीबन मेरे जितने भी कोट्स वगैरह ना वो कुछ मैंने अपने नीचे वाले क्लोजेट में रखे हुए, कुछ मैंने इसमें रखे हुए जो कि मैं नॉर्मली पहन लेती हूँ, तो इसलिए मैंने सब यहीं रख दिए। ये है ब्लैक, और ये फॉरएवर फेवरेट है क्योंकि ब्लैक इज माय हैप्पी कलर। ये है मेरे पास बहुत ही प्यारा सा ट्राउजर और शर्ट, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे ये, और ये मेरे ख्याल से मैंने शूट पर ही पहना था, उसके बाद से मैंने मजा आ उसको हाथ लगाया, लेकिन सून मैं इसे पहनूंगी। ये वाला टॉप तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है क्योंकि ये मैंने जब पहना जब मैं वेरी फर्स्ट टाइम चैनल गई थी तो उसमें मैं ये पहन के गई थी। ये छोटू सा कोट भी है मेरे पास, और इसके अंदर का इनर भी है, इसके साथ मैंने पूरा सेट बना के रखा हुआ है। मेरे पास प्यारा सा सिल्वर
सुंदर सा टॉप, ये भी बहुत क्यूट सा है, और इसके जो नीचे वाला है ना, ये आप लोग को यकीनन याद होगा। अगर याद है तो जल्दी से आके कमेंट सेक्शन में बताएं। Another coat is here, ये भी बहुत ही प्यारा सा कोट है, मैंने स्पेशली बनवाया था अपने शूट के लिए, तो प्यारा है यार, प्यारा है ना। हाँ प्यारा है। गो। ये कोट भी मेरा बहुत एलिगेंट सा है और ये मैंने अपने शो में पहना था, अच्छा लगता है ये भी मुझे। उफ अल्लाह, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि रविका के पास कितने ब्लैक कपड़े हैं। वाकई में मेरे पास हर तरह का ब्लैक है, मतलब हर तरह की किस्म के ब्लैक कपड़े हैं, और ये भी बहुत छोटू सी प्यारी सी फ्रॉक है। है मेरे पास जेब्रा प्रिंट वाला टॉप। एक्चुअली मैंने अपने कोट्स और जो टॉप्स वगैरह है ना, वो मैंने सब यहाँ रख दिया जो कि शॉर्ट लेंथ है, तो इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पे जो लॉन्ग ड्रेसेस है मेरे, वो सारे यहाँ पर है। बाकी सेक्शन तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिए हैं। ये है मेरे दोनों बहुत ही क्यूट से टॉप, और ये मेरा बहुत पुराना टॉप है, मतलब आई थिंक ये 2018 से मेरे पास है और ये अभी तक सही सलामत मैंने रखा हुआ है। ये नीचे पर्पल वाला है, ये मैंने पिछली बकरीद पे पहना था। नेक्स्ट टॉप है मेरे पास ये क्रॉप टॉप, ये भी बहुत प्यारा सा है, और जो इसके नीचे वाला टॉप है ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट टॉप है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है ये प्रिंट जो था वो हुसैन की शर्ट में भी था और ये मेरे पास टॉप भी था। मैंने उनको स्पेशली कहा था कि आप भी पहन कर आए, मैं भी पहन कर आऊंगी और हम लोग साथ में वीडियोस बनाएंगे, तो ये तब का है, आई थिंक 2020 की बात है। नेक्स्ट है मेरे पास ये ट्राउजर और शर्ट। आप लोग सोच रहे हैं कि ये इतना ऐसे छोटा सा क्यों लग रहा है, ट्राउजर को मैंने ऐसे 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 फोल्ड करके डाला हुआ था इसलिए ये छोटा सा लग रहा है। ये भी मुझे बहुत प्यारा प्रिंट लगता है, चेक चेक वाला। नेक्स्ट है मेरे पास ये पर्पल टॉप, ये मैंने अभी रिसेंटली पहना था इधर चली मैं उधर चली वाली वीडियो में। इसके नीचे है वाइट टॉप और इसके नीचे है इसकी जीन्स सेम, तो इसलिए मैंने इसको एक ही पेयर को एक ही हैंगर में ऐसे लगाया हुआ है। नेक्स्ट है मेरे पास ये येलो टॉप, ये मैंने आई गेस लास्ट ईयर जून में पहना था, वो भी टूर पे, तो ये भी बहुत प्यारा सा कलर है। नेक्स्ट है मेरे पास ये स्कर्ट, ये मैंने अभी रिसेंटली लीची वाली वीडियो में पहना था, ये बहुत प्यारा प्रिंट लगता है मुझे बहुत ज्यादा, मतलब मेरा दिल करता है मैं पहन ही रहूँ इसको। इसके नीचे स्कर्ट है और ये शर्ट है। नेक्स्ट है मेरे पास ये टॉप और इसके नीचे है फ्लोरल स्कर्ट, ये मैंने अब तक वेयर नहीं किया है, मैं सून इसको वेयर करूंगी। नेक्स्ट है मेरे पास ये शर्ट, ये भी बहुत प्यारी सी है और इसको मैं किसी भी कलरफुल पैंट के साथ पहनती हूँ तो ये बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। ये है मेरे पास एमन मिनाल का वाइट टॉप, अभी आयरन ही हुआ है तो इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन ये मेरे बहुत दिल के करीब है क्योंकि मुझे एक गिफ्ट मिला था तो इसलिए मैं इसको संभाल के रखती। नेक्स्ट है मेरे पास ये कलरफुल टॉप, ये भी मैंने एक दफा पहना हुआ है और इसके नीचे है ये ग्रीन फ्लफी फ्लफी वाला टॉप। ये तो मेरे ख्याल से एक ट्रेंड चला था आउटफिटर्स का, इस टॉप का सबने लिया था, ये मैंने भी लिया हुआ है। और ब्लैक टॉप्स आ गए, मतलब इंतहा हो गए ब्लैक की। ये है मेरे पास शर्ट, ये भी बहुत प्यारा सा कलर है और प्रिंट है, और जॉर्जेट सी बिल्कुल यू नो लाइट सी शर्ट है तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये वाला टॉप बहुत प्यारा सा है, क्यूट सा, इसको मैंने एक शो में पहना था, और जो ये वाला टॉप है सितारों वाला, ये मैंने आई थिंक लाहौर में पहना था या आई थिंक इस्लामाबाद में, खैर जब भी पहना था, लेकिन ये दोनों मुझे बहुत पसंद। ये वाली शर्ट मैं अभी रिसेंटली लेके आई हूँ, ये बहुत प्यारी सी शर्ट है, इसको सून मैं वेयर करूंगी, सो बहुत ज्यादा आप लोग पिक्चर्स देखेंगे। ओ गॉड गाइस, ये सिर्फ मेरे एक पोर्शन के कपड़े थे। अब आप लोग सोच ले कि जब एक पोर्शन के इतने कपड़े थे तो अगर सारे पोर्शन जो है वो मिलके सारे कपड़े इधर रख दिए जाएं तो कितने बन जाएंगे कपड़े। मेरे ख्याल से ये 40-50 मिनट की वीडियो बन जाएगी। खैर, यहाँ पर मैंने छोटे छोटे क्यूट से बैग रखे हुए। ये छोटू सा क्यूट सा बैग मैंने अभी अपने रिसेंट शूट में लिया था और ये इतना प्यारा सा बैग है, इतना क्यूट लगता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने छोटे से बैग में हम लिपस्टिक कहाँ रखे, तो मैं आप लोगों को जादू दिखाती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी और क्यूट सी लिपस्टिक छोटू से बैग में। अब मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, जब भी मैं ये बैग लेती हूँ ना तो मुझे टेंशन नहीं होती कि मुझे लिपस्टिक भी रखनी है। मेरे छोटे मिनी बैग्स हैं और ऊपर भी बहुत ही क्यूट क्यूट से बैग्स हैं। इंशाल्लाह सून मैं आप लोगों से बैग कलेक्शन शेयर करूंगी। सो या
ये था मेरा वार्डरोब पार्ट टू। बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है आप सबकी फरमाइश पर। आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और मुझे जल्दी जाकर कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप लोगों को मेरी कलेक्शन कैसी लगी। सून मैं आप लोगों से 4 मिलियन का व्लॉग शेयर करूंगी, मतलब शूट व्लॉग शेयर करूंगी। सो यार स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव। जल्दी जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो यार कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।